तो अगर एक चाइनीज मूवी हिंदी डब में आई है जिसका नाम है बैटल ऑफ डिफेंस, लेंथ 1 घंटा 25 मिनट की है। तो चलिए जानते हैं कि फिल्म कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो गाइस इसका पार्ट टू भी आ गया है, तो मैं इसका रिव्यू, जो पार्ट टू का रिव्यू है, जल्दी ही कर दूंगा, पहले पार्ट वन का रिव्यू कर देता हूँ। तो गाइस कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो गाइस इसमें एक चाइनीज प्राइवेट आर्मी को दिखाया गया है जो कि दूसरे देश से पैसा लेते हैं और उस देश को प्रोटेक्ट करते हैं। जो देश अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती उस देश को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसी तरह वो अफ्रीका के एक देश को प्रोटेक्ट करते हैं। पर वहां जो स्थानीय टेररिस्ट है उस देश का, वह उस आर्मी को खत्म करना चाहते हैं ताकि वह अपना राज उस देश में कायम कर सके, वगैरह वगैरह कर सके। तो वह उस ग्रुप को खत्म कर पाते हैं या नहीं, और चाइनीज आर्मी अपने आप को कैसे बचाती है एंड उस ग्रुप को वह कैसे खत्म करते हैं, यही जानने के लिए तो आपको ये फिल्म को देखना पड़ता है। तो गाइस ये फिल्म फन टू वॉच है। जी हाँ, ये फिल्म फन टू वॉच है, देखने में मजा आता है, टाइम पास मूवी है। यदि आपको ऐसी मूवी देखना है कि आप उस मूवी को देखे, आपका टाइम पास हो जाए और कुछ दिन बाद आपका वो जो दिमाग में जो फिल्म रहेगा वो आप भूल भी जाइएगा। फिल्म में इतना कुछ खास चीज नहीं है कि बहुत दिनों तक ये फिल्म आपको याद रहेगा, बस टाइम पास मूवी है, देखिए और भूल जाइए। एक्शन की बात करूं तो जी हाँ, इसमें आपको बहुत सारे एक्शन देखने को मिलेगा। फिल्म के शुरू में ही एक ना बहुत ही मस्त एक्शन आपको देखने को मिलेगा, बहुत गन फाइट देखने को मिलेगा, टैंक वैंक देखने को मिलेगा। तो शुरू में ही कुछ ज्यादा ही एक्शन देखने को मिल जाएगा, और भी आगे एक्शन है पर शुरू में ज्यादा एक्शन है, पर एक्शन के मामले में फिल्म अच्छा है, देखने में मजा आता है। पर एक बात बता देता हूँ, इस फिल्म को देखते समय लॉजिक मत लगाइएगा, नहीं तो फिल्म आपको बहुत जगह इलॉजिकल लगेगा। दिमाग को स्विच ऑफ कर दीजिएगा, उसका बाद देखिएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो सभी ने बस ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, बस ठीक ठाक सभी ने परफॉर्मेंस दी है। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो देखिए, बहुत जगह प्रोडक्शन क्वालिटी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत जगह प्रोडक्शन क्वालिटी आपको खराब देखने को मिलेगा। जहां जहां एक्सप्लोजन होता है, कहीं कहीं एक्सप्लोजन को अच्छे से दिखाया गया है तो कहीं कहीं हग दिया है, मतलब इतना अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी इसका नहीं है। जहां जहां ब्लास्ट सीन है, जहां जहां VFX का यूज किया गया है, वहां पर बात कर रहा हूं। बाकी जो सिनेमेटोग्राफी है वह अच्छा है। हिंदी डबिंग की बात करें तो जी हाँ, इसकी हिंदी डबिंग आपको बढ़िया सुनने को मिलती है। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मैं फाइनल वर्डिक्ट है, जी हाँ एक टाइम पास मूवी है। आप अपने एक्सपेक्टेशन को ज्यादा हाई ना करते हुए इस मूवी को देख सकते हैं, अच्छा खासा आपका टाइम पास हो जाएगा। फिल्म बहुत ही छोटा है, 1 घंटा 25 मिनट का है, तो आप बोर भी नहीं होंगे, जल्दी जल्दी फिल्म खत्म भी हो जाएगा, और चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, कुछ भी वल्गर सीन नहीं है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।